और फिर जो है डील हो गई, एचएएल कहाँ गया, गायब हो गया, जिसके साथ ओरिजिनल डील होनी थी। और ये 36 एयरक्राफ्ट की डील हो गई डसॉल्ट और रिलायंस के अनिल अंबानी के बीच में। और अनिल अंबानी वो फेल्ड बिजनेसमैन है जो जो बिजनेस छूते हैं वो फेल हो जाता है। जिंदगी में उन्होंने पेपर का हवाई जहाज नहीं बनाया, वो ये 36 हवाई जहाज को लेकर वो उनके साथ पूरी उनकी डील हो रही है। ठीक है, मुकेश अंबानी नहीं है ये, मुकेश अंबानी डील करते मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बिजनेस, जिनको ये डील मिल जाती है ये हजारों करोड़ की डील। चलिए, और हवाई एक्सपीरियंस क्या है, ज़िंदगी में पेपर का हवाई जहाज नहीं बनाया है अनिल अंबानी ने। अच्छा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इट देयरफॉर ट्रांसपायर्ड दैट द बेंचमार्क प्राइस ऑफ 36 रफाल एयरक्राफ्ट्स वॉज फिक्स्ड बाई 3 सीनियर ऑफिशियल्स इन द प्राइस नेगोशिएटिंग कमिटी एट 5.2 बिलियन यूरोस। ठीक है दोस्तों, पहले सुनिए ये बात। It thereafter transpired that the benchmark price for 36 Rafale aircrafts was fixed by 3 senior officials in the price negotiation committee. एक price negotiation committee होती है दोस्तों। At $5.2 billion का ये deal हो रही है। However, the price was unilaterally increased by the cabinet committee on security headed by the Pradhan Mantri, by the Pradhan Sevak हमारे मोदी जी, to 8.2 billion euros. तो जो एक प्राइस नेगोशिएशन कमिटी बैठती है जो ये डील को 5.2 बिलियन डॉलर्स पे कर रही थी, उसको ओवररूल करके प्रधानमंत्री जी की नेगोशिएटिंग कमिटी बैठी जिसने 5.2 बिलियन से प्राइस को 8.2 बिलियन लगाया और फाइनली डील हुई 7.2 बिलियन यूरोस में। दैट वाज अनदर 2 बिलियन यूरोस ऑन टॉप। 5.2 बिलियन यूरोस की डील 7.2 बिलियन यूरोस में हुई, हाँ, हेडेड बाय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी। सारे मोदी भक्त सुन लें जरा ये बात ध्यान से, हाँ, जिन्होंने ब्लिंकर्स लगा रखे हैं। अच्छा फिर सुनिए दोस्तों, द पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट ऑफ द 36 एयरक्राफ्ट डील कम्स टू 1650 करोड़। दिस कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद द प्राइस मैंशनड बाय द देन। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इनके कैबिनेट में, मोदी जी के कैबिनेट में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर पहले थे जिनकी आजकल तबीयत ख़राब चल रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, आप लोग देख लीजिए। ये जो पारिकर साहब है, मनोहर पारिकर साहब, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी है, बड़े ऑनेस्ट आदमी है, बता दूँ मैं, बड़ी इज्जत है इनकी। हाँ, इनको शायद गोवा में वो कैसीनो वगैरह को लेके सपोर्ट करने का लोग कहते होंगे, लेकिन इनकी इंटेग्रिटी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली देखिए, जब पारिकर साहब ने इनिशियल जो ओरिजिनल डील थी 126 एयरक्राफ्ट वाली, उस समय डिफेंस मिनिस्टर इन्हीं की सरकार के पारिकर साहब थे, जिन्होंने उस समय कहा था, डिफेंस मिनिस्टर पारिकर हिमसेल्फ इन एन इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर 10th April 2015, हाँ, had said that the 126 aircraft in the earlier deal would have costed around 90,000 crores, which is about 715 crores per aircraft. So I repeat दोस्तों, एक aircraft original deal में 715 crore का आ रहा था, जो eventually आया है 1650 crore का, literally double the price का। ठीक है, ये ध्यान से ये सुने आप। और HAL को transfer of technology मिल गई थी, अब HAL बनाते हैं ये एयरक्राफ्ट, 18 रेडी एयरक्राफ्ट मिलते और अनदर हम लोग 100 प्लस एयरक्राफ्ट बनाते थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। HAL इंडिया की कंपनी को मिलता, उसके बाद इंडिया सक्षम हो जाती, HAL 100 नहीं 5000 ऐसे एयरक्राफ्ट बना देता विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। वो सारी डील को स्क्रैप कर दिया गया और 5.2 बिलियन डील का प्राइस को 7.2 बिलियन डील का प्राइस किया गया। हाँ, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री जी बैठे थे, हेड कर रहे थे कमेटी को। हाँ, ये बात से सुनिए, ये सारा कुछ मैं प्रेस रिलीज, प्रशांत भूषण जी के प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूँ। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने रिलीज किया है आज, प्रशांत भूषण जी का ये प्रेस रिलीज है। यशवंत सिन्हा जी, फॉर्मर बीजेपी के स्टॉलवार्ट, और अरुण शौरी जी, फॉर्मर बीजेपी के, माने बीजेपी के फॉर्मर स्टॉलवार्ट, हाँ, का मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ मैं। It was on these facts which were all documented in the complaint to the CBI that we had sought a court monitored investigation when the CBI did not register an FIR on our complaint, which is mandatory as per law.
अब दोस्तों प्रशांत भूषण जी और यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी गए थे सीबीआई के पास, ये सारा कुछ लेके डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा आप एफआईआर लॉन्च करो पीएमओ के खिलाफ और बाकी जो लोग हैं इसमें अनिल अंबानी वगैरह के खिलाफ। सीबीआई तो दोस्तों आप जानते ही हैं, सीबीआई तो लेट सीबीआई हो चुकी है, इट्स गॉन, इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द पास्ट, सीबीआई तो रही नहीं। कांग्रेस के दिनों में पैरट कहा जाता था सीबीआई को, लेकिन अब ये भाजपा सरकार के दिनों में तो सीबीआई रही नहीं, इट इज़ लेट सीबीआई। तो सीबीआई कौन सा एफआईआर लॉन्च करेगी, हाँ कहाँ का एफआईआर लॉन्च करेगी, सीबीआई तो नॉन एग्जिस्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। अरे देखो भाई वो सीबीआई वालों की रेड तो नहीं हो रही है हमारे यहाँ, हाँ अभी भेजेंगे प्रधान सेवक जी हमारे यहाँ, अभी आएंगे उनके चार। तो कहने का मतलब ये है द इंस्टीट्यूशन इज डिफंक्ट, इट इज डिस्ट्रॉयड। अच्छा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट जजमेंट टुडे, नाउ ही गेट्स इनटू द कोर्ट जजमेंट। द कोर्ट्स जजमेंट टुडे डज नॉट इवन एड्रेस द डॉक्यूमेंटेड फैक्ट स्टेटेड इन आवर पिटीशन और इवन डील विद आवर मेन प्रेयर सीकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। On the contrary, it proceeds on the basis that we were challenging the contract itself and uses the facts stated by the government either in short open affidavits filed or perhaps facts claimed in the sealed cover handed over to the court which was never shared with us. Facts stated by the government either in short open affidavits filed or perhaps facts claimed in the sealed cover handed over to the court which was never shared with us. In fact, some of the facts mentioned in the court's judgment are not only not on the record but are patently incorrect. Prashant Bhushan ji keh rahe hain. The court mentions in para 25 the pricing details have however been shared with the comptroller and auditor general, hereinafter referred to as CAG, and the report of the CAG has been examined by the public accounts committee. Only a redacted portion of the report was placed before the parliament and all is in public domain. All the facts mentioned above are neither on record nor factually correct, Prashant Bhushan ji keh rahe hain. The PAC judgment has not been submitted to the Public Accounts Committee and no portion of the CAG report has been placed before the Parliament or placed in the public domain. Obviously, this is factually incorrect statement must be based on some communications not on record and unknown to us made by the government to the court. That the court has relied on such communication which is factually incorrect on three counts shows how dangerous it is for the court to rely on statements made in sealed cover not subject to scrutiny or verification and give its judgment on that basis. It is astounding that the court has stated such patently incorrect facts in such a short judgment. The court has also mentioned in the same para that the chief of the Indian Air Force had communicated his reservation regarding the disclosures of the pricing details which would adversely affect national security. ये दोस्तों बहुत ही गंभीर इशू है, आई रिमेंबर दिस, हाँ ऐसा ये कुछ नहीं हुआ था। This alleged fact was also not on the record and it is not understood as to from where and how the court goes into this. Absolutely, this never happened in the court. I've attended the entire proceedings, never happened in court. ये मीडिया में कहा गया था, बीजेपी ने चला के रखा था कि डिफेंस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं एयरफोर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इससे शेयर नहीं करना चाहिए, वो कोई कोर्ट में आके उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा द कोर्ट हैज आल्सो मेंशन्ड दैट एयरफोर्स ऑफिशियल्स वर एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट ऑन द एक्विजिशन प्रोसेस एंड प्राइसिंग। ये भी यहाँ भी प्रशांत भूषण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दिस इज ऑल्सो फैक्चुअली इनकरेक्ट एज द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ द एयरफोर्स, बिल्कुल सही कि वो ग्रेड 3 है 4 है 5 है ये पूछा था, एक सवाल पूछा था कोर्ट ने इनसे। This is also factually incorrect as the only question asked of the Air Force officials by the court and the only questions they answered was whether Rafale aircraft belonged to 3rd generation, 4th generation or the 5th generation. सिर्फ ये सवाल पूछा गया था जिसका उन्होंने जवाब दिया था कि वो लेटेस्ट जनरेशन था, दैट इज इट। एब्सोल्युटली प्रशांत भूषण जी इज एब्सोल्युटली राइट, मैंने एक एक ये हियरिंग अटेंड करी है रफाल डील में, एब्सोल्युटली सिर्फ ये एक सवाल पुटअप किया गया था और कोई सवाल नहीं था। हाँ अच्छा जी, दे वर नाइदर क्वेश्चन नॉट डिड दे से एनीथिंग ऑन द एक्विजिशन प्रोसेस और ऑन द प्राइसिंग, एटलीस्ट दिस डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई अग्री। ऑन द एक्विजिशन प्रोसेस द कोर्ट ऑब्लाइजिंगली एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स क्लेम दैट द एक्विजिशन प्रोसेस इन द अर्लियर 126 डील गॉट स्टक एंड वॉज नॉट प्रोसीडिंग
विच इज़ वाई द न्यू डील ऑफ 36 एयरक्राफ्ट हैड टू बी मेड. द कोर्ट डज नॉट इवन डील विद द फैक्ट्स मेंशन्ड बाय अस कंप्लीटली श्रेडिंग दिस क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर वी हैड अनेक्स्ड अ वीडियो ऑफ द सीईओ ऑफ डसॉल्ट ऑफ 25th मार्च सेइंग दैट द नेगोशिएशंस वर 95% कंप्लीट. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द डील वुड हैव बीन इंक्ड सून. He had also said that Dassault would remain compliant to the RFP and that they were happy and satisfied with HAL. The court also does not deal with the specific issue or violation of procurement procedure raised by us that the PM signed the 36 aircraft deal with the French government by 10th April before any requirement given by the Air Force for 36 aircraft and before DAC okaying the need to buy 36 aircraft without any transfer technology or make in India. बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारा procedures का उल्लंघन हुआ इसमें. The fact as we showed that no procedure was followed, the Prime Minister unilaterally announced a new deal with the CCS rubber stamped with retrospective effect. The court takes a dangerous step in condoning the total disregard of procedure. The court cites clause 75, which says this they could do what they want, as the PM did in this instance, and then have it retrospectively rubber stamped by DAC etc. On the issue of price of the court, to is tarike se karte karte dosto bahut lamba hai. मैं क्या करूँगा, इसको पोस्ट कर दूँगा. आखिरी का बस पढ़ देता हूँ इनकी प्रेस रिलीज़ की, जो इनकी डिसअपॉइंटमेंट है. और मैं फिर कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से दोस्तों कि ये मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ जो प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं इसमें. ही इज़ 100% राइट, आई एग्री विथ हिम. फाइनली इन लोगों ने यही कहा है दैट द इशू विल कंटिन्यू टू एजिटेट द पब्लिक माइंड अंटिल देयर इज़ फुल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस डील. This matter is far from over. ये 3.5 पेज की प्रेस रिलीज है दोस्तों आज की, प्रशांत भूषण जी, अरुण शौरी जी, यशवंत सिन्हा जी की. मैं अपने फेसबुक पे भी लगा दूंगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा. मैं बस यही कहना चाहता हूँ, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, एक एक लफ्ज़ से मैं इस इशू में प्रशांत भूषण जी के साथ. चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के कमेंट्स लेते हैं. तो बिफोर खैर मैं कमेंट्स पे आऊँ, बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो रफाल स्कैम है ये इंडीड एक बहुत बड़ा स्कैम है. आज कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी होगी गवर्नमेंट को, ठीक है. हम लोग इन द स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्टिंग द कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम लोग सब लोग चुप हो जाएंगे. लेकिन क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो बहुत गंभीर है. बस इतना ही कहूँगा, इसके आगे आई विल से नो मोर. आरबीआई खत्म हो गई है.